नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 8 अगस्त से 14 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा परेशान हो सकता है, शुरू में थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाद का सप्ताह आपके लिए बेहतर है। इस समय इस सप्ताह में मेहनत करनी होगी जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और धन के मामलों में भी आपको फायदा होगा। अगर करियर का कोई भी आप बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं इस सप्ताह में तो थोड़ी सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, पहले की तुलना में इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वृषभ राशि, इस सप्ताह में आपकी व्यस्तता ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग भी रहेगी, मेहनत भी रहेगी, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी जिस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य और मन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। धन का मामला इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत थोड़ी ज्यादा है और तनाव की वजह से स्वास्थ्य हो सकता है आपको बहुत अच्छा महसूस ना हो। मिथुन राशि, बहुत बड़े बड़े काम इस सप्ताह में आप संभवतः निपटा पाएंगे, कर्जों को कम कर पाएंगे और धन का लाभ आपको होता रहेगा। ध्यान रखना है लिखा पढ़ी के काम में और सरकारी काम है, बिजली का बिल है, टैक्स है, इन सब मामलों में थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि यहां पर थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। और किसी महिला की वजह से बेवजह के विवाद और तनाव हो सकते हैं, उसका ध्यान भी सप्ताह में बनाए रखिएगा। कर्क राशि, ये सप्ताह बहुत व्यस्तता दिखा रहा है, दौड़ भाग दिखा रहा है। हालांकि आपके रुके हुए काम आपकी मेहनत की वजह से इस सप्ताह में पूरे होंगे। करियर के मामलों में कोई अच्छी सफलता भी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी इस सप्ताह में आपकी दिखाई दे रही है, इस सप्ताह उसके संकेत मिल रहे हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा क्योंकि इस सप्ताह के अंत में चोट चपेट की स्थितियां बन सकती हैं। सिंह राशि, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, करियर अच्छा, परिवार का मामला भी अच्छा होगा और आपके महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में बनेंगे। पैसे आपके पास आते रहेंगे, उन पैसों का सही इस्तेमाल करिए, कर्जे चुकाइए, अपनी जिम्मेदारियां निपटाइए। सप्ताह के अंत में किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, कुल मिला के सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कन्या राशि, इस सप्ताह में आपके लिए यात्रा की संभावनाएं दिखाई देती हैं। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, परिवार की जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं और अपने खुद के स्वास्थ्य का इस सप्ताह में थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन का मामला वैसे आपका भी ठीक बना हुआ है, उसको लेकर बहुत चिंता मत करिए। हाँ, चेंज ऑफ प्लेस आपका इस सप्ताह में हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है और किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। तुला राशि, धन की स्थितियां तुला वालों के लिए इस सप्ताह में अच्छी हैं, पारिवारिक समस्याएं भी हल होंगी और चीजें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। एक तो अपने रुके हुए काम मत टालिएगा इस सप्ताह में, महत्वपूर्ण काम निपटाइए, पैसे के खर्चों पर ध्यान दीजिए और वाहन चलाने में इस सप्ताह में तुला राशि के लोग अगर सावधानी रखें तो उनके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, शिक्षा और करियर का मामला आपके लिए ठीक रहेगा, धन का मामला, काम का मामला भी अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत करें, चेंज ऑफ प्लेस करें, उसकी संभावना आपके लिए बन सकती है। इस सप्ताह आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होने की संभावना भी दिख रही है। सप्ताह के अंत में किसी नजदीकी व्यक्ति की वजह से, नजदीकी रिश्ते की वजह से आपको तनाव हो सकता है, उसका ध्यान बनाए रखिएगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में बेवजह का तनाव आपको हो सकता है, एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, एक तरफ ऑफिस की जिम्मेदारियां आपको परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह ज्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे, करियर में आप काफी व्यस्त रहेंगे।
सप्ताह के मध्य के बाद आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। पैसे रुपए की स्थिति वैसे इस सप्ताह में ठीक है, लेकिन इस सप्ताह में खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग हैं, हालांकि काम आपका ज्यादा है जिस वजह से थोड़ा तनाव दिख सकता है। सेहत के मामले में अगर डाइजेशन में या हड्डियों में कोई दिक्कत है तो इस सप्ताह में लापरवाही मत करिएगा। करियर का मामला आपका ठीक रहेगा, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। अगर करियर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए मौका ठीक है, आप अपने करियर में परिवर्तन कर सकते हैं। कुंभ राशि, सप्ताह बहुत व्यस्त रहेगा, काम अधिक रहेगा, काम में मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आपको लाभ भी होता रहेगा। करियर और धन की स्थिति आपकी सप्ताह में ठीक रहेगी। अगर कोई परीक्षा के परिणाम आने वाले हैं तो वो आपके पक्ष में आएंगे। खान पान को लेकर और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर थोड़ी सावधानी रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, छोटी छोटी बातों पर तनाव पालना, इससे अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, ये सप्ताह बहुत सारी दौड़ भाग दिखा रहा है, बहुत मेहनत दिखा रहा है, लेकिन ये मेहनत अभी जरूरी है क्योंकि करियर में नए अवसर आपको मिल रहे हैं। अभी मेहनत करके आपको अपने आप को साबित करना है। धन का मामला इस सप्ताह में आपका अच्छा रहेगा और कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम इस सप्ताह में आपका पूरा होगा। सर्दी जुखाम बुखार का ध्यान रखेंगे और जहां तक संभव हो इस सप्ताह में खाली पेट मत रहिएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। अब उपाय क्या करने हैं? देखिए, मोटे तौर से इसी सप्ताह से भाद्रपद महीने की शुरुआत भी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस सप्ताह में भी पूरे सप्ताह रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। अब हर बार की तरह आपको सूचना दे देते हैं कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे केवल दो ही नंबर हैं, 9818072644, 9911807700। इन्हीं दोनों नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी किसी भी नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कोई भी 699 रुपए वाली ऐसी कोई भी स्कीम हमारी नहीं है, इसलिए इन सब चीजों से आप बचें। इन्हीं दोनों नंबर पर संपर्क करके आपको सही जानकारी मिल सकती है और ये नंबर सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। रविवार को और छुट्टियों के दिन में ये नंबर बंद रहते हैं। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।